अच्छा सर, ये बताएं कि आपके इस फॉर्म का टोटल रकबा कितना है? हमारे पास जी जो फार्म पे जो बिल्डिंग बनी हुई है ये तकरीबन बाउंड्री वॉल जो लगी हुई है ये 1 एकड़ पे है। सही है। ठीक है जी, इसमें ये शेड है, ये तकरीबन 300 फुट लंबा शेड है, हेड टू हेड एनिमल, तो सही। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि इसमें बड़ी आसानी से तकरीबन को 150 से पौने 200 एनिमल अकोमोडेट हो जाता है। सही है। तो बाकी हमने खुला डुला सिस्टम रखा हुआ है, जानवर अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं, खाते पीते हैं, फेंसिंग लगी हुई है, सेक्शन बने हुए हैं, बच्चों के अलहदा हैं, मिल्किंग एनिमल के अलहदा हैं, जो यंग वन है उनके अलहदा हैं, भैंसे हैं हमारे पास उनका सेक्शन अलहदा से है। सही है। तो ये जो बाउंड्री लगी हुई है इसमें फिर ये एनेक्सी है छोटी जो हमारी रहायश के लिए है, साथ हमने जो एक स्टोर बनाया हुआ है काफ़ी बड़ा जिसमें हम मतलब ये तूड़ी भूसा मतलब वो स्टोर करते हैं। जी। तो साथ जो है वो लेबर के रूम्स भी हैं, वो नॉर्मली यूज़ नहीं होते, लेकिन ये कि एक मतलब कंप्लीट फार्म के लिहाज से जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जी वो जी वो हमने अल्लाह का मुकम्मल किया। शुक्र है कि इसमें बनाई हुई। सही है। जो बिल्डिंग है हमारी ये टेक्निकली हमारे पास कुछ थोड़े से मतलब ज़्यादातर क्रॉस एनिमल्स हैं, क्रॉस ब्रेड हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनमें के 80% तक प्योरिटी है, जो कि इसमें गर्मियों में थोड़े से स्ट्रेस में आते हैं। जी। तो उसके लिए मतलब ये शेड का हमारा डिज़ाइन देखे ना, तो ये काफ़ी वेंटिलेटेड किस्म का शेड है, हाँ जी। इसमें हवा की क्रॉसिंग, इवन जब लाइट के आजकल बिजली के मसले मसाइल हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि ये जो सेंटर वाला रास्ता या राहदारी है जी। इसमें चारपाई डाल के बैठे हैं तो बड़ा इजीली मतलब एक बेहतरीन माहौल होता है कि सही है। आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जानवर भी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा इजी रहता है इसमें। अच्छा सर, ये जब आपने शेड बनाया था, टोटल फार्म कितनी अमाउंट आपकी उस वक्त लग गई थी डेयरी शेड आपका ये कंप्लीट करने पे? मैं जी अब आपको फिक्स तो नहीं बता सकता क्योंकि जी चीज़ों के रेट्स में अब मतलब अगर आप 100 गुना गए तो वो प्राइस बढ़ गई हुई है। जी जब जी हमने ये बनाया था तो उस वक्त 2,200 रुपये की ईंट थी, सही है। 1,000। आज अगर मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो ईंट जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपये पर पहुंची हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह सीमेंट की बोरी उस वक्त 200, 250, 300 रुपये तक थी 2007-08 के अंदर, जी। तो आज वही सीमेंट जो है वो 1,000 रुपये पर पहुंचा हुआ है। तो इस वजह से उस वक्त का और आज का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अपना मैं मोटा सा आइडिया जी, आपको आइडिया मैं दोस्तों के दे लिए। देता हूँ कि अगर ये वाला शेड हमारा, क्योंकि इस पर हमने तैयार छतें डाली हुई हैं, हाँ जी कॉलम्स हैं और ऊपर तैयार छतें हमने डाली हुई हैं, तो तैयार छत वाला को दो शेड बनाना चाहे तो वो नीचे मतलब उसकी जो फ्लोरिंग है, जो खुरलियाँ हैं, जो खाने पीने की जगह हैं सारी उनकी मुकम्मल करके, तो ये तैयार छत भी हमने इसको ना मतलब वाटर प्रूफिंग भी इसकी की हुई है, इसके ऊपर हमने फिर अगेन टाइल लगा के तो उसके ऊपर सीमेंट शीमेंट डाल के ताकि ये पानी शानी टपकने से और हीट का भी थोड़ा सा इसमें एडवांटेज है कि जी हीट जी कम नीचे आती है। तो आज के दौर में अगर बनाना हो ना तो ये बात कोई भी दोस्त बनाना चाहे तो ये बात मेरा नंबर भी बेशक उसमें दे दे तो वो मुझसे टेक्निकली पूछ भी सकता है। आज अगर बनाना चाहे तो ये 1400-1500-1600 रुपये में पर स्क्वायर फीट, सही है। पर स्क्वायर फीट ये कंक्रीट वाला? ये जो तैयार छतें हैं जी। कंक्रीट वाली, क्योंकि इसमें नीचे फ्लोरिंग भी जो है ना वो हमने कंक्रीट की डाली हुई है, सही है। कुरलियाँ हैं सारे मामला, तो ये आज आज के रेट के हिसाब से तकरीबन आप 1500 रुपये जहन में रखें, कम ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है सही है। माइनर सा, लेकिन इतने पैसों में पर स्क्वायर फीट आपको ये पड़ सकती है। सपोज़ इसकी ये तकरीबन 40 फुट है ना, जी। 40 फुट बाय 200 फुट है। जी। अगर कोई दोस्त ये इसी सेम डिज़ाइन में बनाना चाहे, 40 फुट है, 100 फुट लंबा है, तो 40 बाय 100 मतलब ये 4,000 स्क्वायर फीट, नहीं सॉरी 40 बाय 100 मतलब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी कर लें तो उसको 1500 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको अखराजात आपके सामने आ जाएंगे। सही होगा। अच्छा सर, ये आपने जो इसकी ऊंचाई रखी है, जी ये ऊंचाई इतनी ही होनी चाहिए या कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं इस पे? देखिए, पाकिस्तान का जो वेदर है ना जी, वो ना तो हमेशा यहाँ पे ये गर्म मौसम रहता है और ना ही ये सर्द रहता है, जी तो गर्मी और सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत हाइट भी नहीं और बहुत लो रूफ भी नहीं रखना। लो रखेंगे तो गर्मी में प्रॉब्लम होगी, हाई रखेंगे तो आपको सर्दियों में थोड़ा सर्दियों सा में मसला बन सकता है। तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड हाइट है ना, आप 10 फुट पे छत डाल दें बस, अल्लाह सही है। खैर। और ये जो दरमियान में है इसकी ऊंचाई दूसरे शेड से दूसरे कितना होना से चाहिए दूसरे सर? शेड से ये तकरीबन 2.5 फुट ऊंची है जी। 2.5 फुट ऊंची हाँ है। जी,
सही है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो आपने राहदारी जो छोड़ी है दोनों साइड में, ये इसकी मतलब चौड़ाई कितनी है? ये सेंटर जो है ना, ये तकरीबन आप साफ़ी कह लें गार्डर तो इसके ऊपर हमने 12 फुट का डाला हुआ है। सही है, लेकिन वो ऊपर से शेड बाहर निकला हुआ है, जो मतलब इसमें जो स्टैंडर्ड है ना जी वो 10 फुट की है तकरीबन। सही है जी। अच्छा, अभी यहाँ जो आपका सीवरेज का निज़ाम है, मतलब आपने शावरिंग की हुई है या नहीं की यहाँ पर? शावरिंग हमारी ना हुई हुई है काउस की, कुछ मैंने बताया कि हमारे पास प्योर में एनिमल थे जी जी, तो वो 2-1 साल पहले ना काफ़ी ज़्यादा हीट स्ट्रेस आया था। सही है, तो कुछ जानवर हमने ना फिर रिप्लेस कर लिए थे क्रॉस के साथ। सही है, तो उस वक्त शावरिंग लगाई थी, अभी भी ये लगी हुई है, तो थोड़ा सा मतलब वेदर ने इतनी ज़्यादा अभी स्ट्रेस नहीं दी तो हमने स्टार्ट नहीं किए, लेकिन ये कि जब ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेस आता है एनिमल तो हम शावर स्टार्ट करते हैं। सही है, तो वो शेड के अंदर ना हमने ड्रेनेज सिस्टम पूरा बनाया हुआ है। सही है, वो पानी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा बेहतरीन सिस्टम है ड्रेन होके, तो हमारी जो आउटर वॉल है जी उसके बाहर जो सरकारी खाला है पानी वाला, जो हर वक्त मतलब चलता रहता है ज़मीनों को पानी, सरकारी नहरी जो लगती है, तो वो पानी उसमें जाता है, उसी से वही आगे चला जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल हमने कोई सीवरेज सिस्टम इसका लगाया। सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कंक्रीट की छत और आजकल वो टीन है उसकी छत भी आ रही है, तो आपके हिसाब से कौन सी शेड जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, कंक्रीट वाला या वो बाज़ लोग वो पुराना सिलसिला है वो बांस वगैरह कोई टाइल भी डाल रहे हैं, ठीक है टीन वाली भी है, तो आपके लिहाज से आइडियल शेड कौन सा है? देखिए, इसमें हर बंदे ने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी है। ठीक है, अगर मतलब वो कहते हैं ना जी जितना गुड़ डालें उतना मीठा। सही है, तो अगर उसमें लोहे वाले में जाएं, गार्डर डालें, TRN डालें, टाइल डालें ऊपर, फिर उसकी वाटर प्रूफिंग करें, तो वो लोहा आजकल बहुत महंगा है, वो ठीक ठाक खर्चे वाला काम है। सही है। सेकंड आ जाती है कि आप सादा वो टिन की छतें डालें, वो आपको गर्मी और सर्दियाँ दोनों में प्रॉब्लम करती है। सही है, ठीक है जी, क्योंकि लोहा है, चादर है, उसने ना तो सर्दी रोकनी है ना उसने गर्मी रोकनी है। नहीं, बाद लोग कह रहे थे कि हीट प्रूफ होती है ऐसा, नहीं है वो चादर लोहे वाली हीट प्रूफ नहीं होती, वो या तो आप फाइबर की आजकल नॉर्मली शर्ट्स के ऊपर डाल रही हैं जी जी, और या कुछ ना मतलब कमर्शियल डेरीज के ऊपर वो एक और आ रही हैं पैनल्स होते हैं वो डाल दें, वो महंगा काम है। महंगा काम, सही हो, ठीक है जी। हाँ, सादा अगर इसमें करना है तो वो फिर गार्डर डाल के ऊपर बांस डाल लें आप। सही है, और नीचे कॉलम्स हैं, गार्डर डालें, बांस डाल लें। सही है, तो मेरे ख्याल से फिजिबल, सस्ती और ड्यूरेबल जी जी, वो ये ठीक है। सही, ये जो सीमेंट वाली तैयार छतें हैं, इसमें ये है कि लोकल भी आजकल बहुत सारे लोग आ गए हुए हैं इसमें जी जी, तो ज़रा कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा हो जो माल मटेरियल अच्छा लगाता हो जी जी, आप उसे उनसे परचेज करें, ये आपको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ जाएगी। सही है, अगर कोई दोस्त शेड बनाने के हवाले से आपसे रابطہ करना चाहे तो आपका رابطہ नंबर उनको दे दिया जाए? जी बिल्कुल दे दिया जाए, हम बे लॉस उनको करेंगे। मैंने बहुत सारे शेड बनवाए भी हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब को टेक्निकल सर्विसेज दी भी हैं। सही है, ना सिर्फ शेड के हवाले से, एनिमल परचेजिंग के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, एनिमल फीडिंग के हवाले से। सही है, क्योंकि मैं ये मेरा यहाँ पे भी है और मैंने इस्लामाबाद में भी, क्योंकि थोड़े से एनिमल हैं शौक से रखे हुए 8-10, तो मैं मतलब वो टेक्निकली अल्लाह का शुक्र है ये इस वेदर के अंदर भी जो इस्लामाबाद में, यहाँ पे तो मिक्स एनिमल है ना, छोटा भी है बड़ा भी है, कुछ ड्राई हैं और कुछ प्रेग्नेंट हैं, तो वहाँ पे साफ़ी एनिमल है 10 जो कि इन मिल्किंग है। सही है, तो मैं 21-22 लीटर की एवरेज लेता हूँ उनसे, क्रॉस ब्रेड काउज हैं। सही है, और फ़र्क सिर्फ यही है मैनेजमेंट और अपना इनकी हैंडलिंग फीडिंग। सही होगा।